हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एग्जाम टाइम इज गोइंग ऑन। एग्जाम टाइम के चलते हुए सभी को ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। आजकल सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। कई स्टेट बोर्ड के अंदर एग्जाम या तो स्टार्ट हो चुकी है या तो होने की तैयारी में है। गुजरात एजुकेशन बोर्ड के अंदर एग्जाम्स कल से स्टार्ट होने वाली है। तो मेरे सभी व्यूअर्स, मेरे सारे स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम के पहले आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो थोड़ा बहुत डिस्कशन करना चाहूंगा। आप एग्जाम देने जाते हो तो उसके पहले आपको जो जो जरूरी चीजें हैं वो सारी अपने साथ रख लीजिए। जैसे कि आपको एग्जाम देने जाना है तो सबसे जरूरी चीज है हॉल टिकट, जिसके बिना आपको एग्जाम हॉल के अंदर एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो उसको ध्यान से आज ही रख लीजिए, जिससे वहां पे आपको एंट्री अच्छे से मिल पाए। दूसरी चीज जो है वो राइटिंग पैड। आप जब लिखने बैठते हो तो हो सकता है कि आपको जो अलॉट की हुई बेंच है वो स्मूथ ना हो, तो आप अच्छे से पेपर नहीं लिख पाओगे। तो आपको राइटिंग पैड साथ में रखना है। बट ये चीज याद रखिए कि बोर्ड के नियम के अनुसार वो जो राइटिंग पैड है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। तीसरी चीज है, आपको हॉल टिकट रखने के लिए अगर फोल्डर लेना है तो वो फोल्डर भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और आप अपने साथ में पानी की बॉटल रखिए, अगर आपको पानी पीना है। गर्मी की सीजन चल रही है तो पानी की प्यास लगने वाली है, तो साथ में पानी की बॉटल, वो भी ट्रांसपेरेंट बॉटल अपने साथ रखिए। और जो जो चीजों की जरूरत है, जैसे कि पेन है, पेंसिल है, अगर मैथ साइंस का पेपर है तो उसके अंदर पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज फिगर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्केल है, प्रोटेक्टर है, कंपास है, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू कीप इट विथ यू फॉर द बोर्ड एग्जाम। बोर्ड के एग्जाम के चलते हुए आपको खाने पीने में भी ध्यान रखना है। आप डर की चीजें, वो भी जैसे कि नींद ना आए वैसे राइस कम खाइए, तली हुई चीजें कम खाइए, जिससे आपकी हेल्थ अच्छी रहे। और बोर्ड की एग्जाम देने जाने के पहले, मतलब कि सपोज कल आपका पेपर है, तो आज एटलीस्ट 6 to 7 hours की स्लीप आपको बहुत ही जरूरी है। मतलब कि ओवरनाइट आपको जागना नहीं, अदरवाइज एग्जाम की ड्यूरेशन में आपको नींद आ सकती है। तो ये सारी स्मॉल स्मॉल जो चीजें हैं उसके ऊपर खास ध्यान रखिए। और एटलीस्ट 2 या 3 pens अपने साथ रखिए, पेंसिल्स भी 2 या 3 रखिए, जिससे अगर वो नीडल टूट गई तो आप अच्छे से उसको लिख पाओगे। मतलब कि आपको शार्पन करने में और ऐसा टाइम वेस्ट ना हो। बोर्ड के अंदर हमें टाइम बचा के अच्छे से पेपर को कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको पेन भी, मैंने आगे भी बताया था कि पेन आप 2-3 बार, मतलब कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत लिख के रखिए, जिससे पेन भी अच्छे से स्मूथली चलने लगे। ऐसे 2-3 pen अपने पास रखिए, पेन खत्म हो गई तो आप नई पेन से यूज करोगे तो हो सकता है कि उसमें स्पीड कम हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और एक चीज है कि अपने माइंड में से डर को निकाल दीजिए। आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की है तो आप अच्छे से, बहुत अच्छे से एग्जाम दे पाने वाले हो और बहुत ही अच्छे मार्क्स आपको मिलने ही वाले हैं। कीप कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। आपके अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए कि हमने अच्छे से पढ़ाई की है और आपको सारी चीजें याद आने ही वाली है। तो आप अपने मन में से डर को निकाल दीजिए, एकदम रिलैक्स होकर पेपर देने जाइए। आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर कर पाओगे। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल माई व्यूअर्स। ऑल द बेस्ट।